भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, इनकी शिकायत ना इनकी पार्टी ने सुनी है और ना ही गोंडा पुलिस ने सुनी है। थाना अध्यक्ष कटरा बाजार के जो संजय कुमार गुप्ता हैं, धमकी देते हैं, गाली देते हैं, जो आपने एप्लीकेशन में लिखा है, क्या क्या कहा? कहा कि उस जमीन के किनारे जाओगे तो साले पैर तोड़ करके तुम्हारा फेंक देंगे, और कहीं भी हमारी शिकायत अगर किया तो तुम्हारा खैर नहीं, बलात्कार का मुकदमा लिखवा देंगे, गैंगस्टर लगा के तुमको साले जेल भेज देंगे, तुम ही खाली परिवार में अकेले पैर भी करते हो। ये ऐसो कहते हैं? ऐसो कहते हैं कि फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भेज देंगे। अब आखिर ऐसे गरीब परेशान लोगों को न्याय दिलाए तो कौन दिलाए, जब मतलब भाजपा के बूथ विधानसभा कटरा बाजार के कार्यकर्ता भी हैं और हम लगभग 25-30 साल से मतलब कार्यकर्ता के रूप में काम करते चले आए हैं। आज ये जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से सारे अधिकारी मतलब 2-4-5 हज़ार ने लाखों में मांगते हैं पैसा, गरीब आदमी कहाँ पैसा दे पाएगा। भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और हम उन्हीं के क्षेत्र गोरखपुर में मेरी ससुराल भी है, वहाँ से फ़ोन कर कटरा बाजार में थाना एसओ के पास आया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेरा झाड़ेंगे, जहाँ भी जाओ साले तुमको जिंदा मार देंगे, और हमारे एक इकलौता बेटा है उसको उन्होंने कहा कि गोली से मरवा देंगे। और तुम्हारे सूबे के मुख्यमंत्री न जाने कितने दावे कर चुके हैं कि जब से उनकी सरकार आई है गुंडे माफिया प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं कि हर गली हर गांव हर शहर हर ज़िले में लोगों के मकान कब्जा कर रहे हैं, लोगों की ज़मीनें कब्जा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी पुलिस अब तक उन पर कार्रवाई ढंग की नहीं कर रही है। जी हां, एक ऐसा ही मामला गोंडा के कटरा बाजार से निकल कर आया है। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। हमारे साथ एक पीड़ित हैं जो अपनी शिकायत लेकर आए हैं, शिकायत उनकी दबंगों के खिलाफ है कि उनकी ज़मीन को जबरन कब्जा किया गया, लेकिन उनकी शिकायत गोंडा पुलिस को लेकर भी है कि वहाँ अभी नए थाना अध्यक्ष जब से पहुँचे हैं तब से स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि जितनी उनकी समस्या दबंगों ने बढ़ाई थी उससे ज़्यादा उनकी परेशानी और समस्या गोंडा पुलिस ने बढ़ा दी है। जी हमारे साथ मौजूद हैं ये पीड़ित, इनसे जानेंगे क्या समस्या है और कब से ये परेशान है, कहां कहां अपनी गुहार लगा चुके हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजीव कुमार जायसवाल है। क्या है मामला? मामला है कटरा बाजार में हम रहते हैं, हमारी पैतृक ज़मीन है जो मेरे परदादा अर्जुन प्रसाद ने बैनामा लिया था और उस बैनामे के भूमि अब तक हम रह रहे हैं कुछ दबंगों द्वारा, जिसका नाम आलोक कुमार जयप्रकाश और वो संदीप अवस्थी जो अपने को कथित पत्रकार बताते हैं, कोई एक दो कुछ सपा के नेता हैं जो मतलब उनका नाम नहीं लेना चाहते, काफ़ी दबंग हैं, यदि उनका नाम ले लेंगे तो मेरी हत्या करवा देंगे। मतलब नेताओं से डर है आप? हाँ, नेताओं से डर है। और हम मतलब भाजपा के बूथ विधानसभा कटरा बाजार के कार्यकर्ता भी हैं और हम लगभग 25-30 साल से मतलब कार्यकर्ता के रूप में काम करते चले आए हैं। आज भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और हम उन्हीं के क्षेत्र गोरखपुर में मेरी ससुराल भी है, वहाँ से फ़ोन कर कटरा बाजार में थाना एसओ के पास आया तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मेरा जहाँ भी जाओ साले तुमको जिंदा मार देंगे, और हमारे एक इकलौता बेटा है उसको उन्होंने कहा कि गोली से मरवा देंगे, और तुम्हारे मतलब परिवार को सारी ज़मीनें कब्जा कर, गाटा की जमीन पीपल चौराहे पर है उसको भी कब्जा कराने की नियत बनाए हुए हैं। कौन लोग हैं ये? ये लोग आलोक कुमार जायसवाल हैं जो अपना कथित शराब व्यवसायी बताते हैं। नहीं, किसी पार्टी से भी जुड़े? हाँ, ये सपा से जुड़े हुए हैं और मतलब और भी 2-4-10 लोग हैं जिसका नाम नहीं जानते, रोज आकर धमकी देते, मुझको कोर्ट कचहरी आने से भी रोकते हैं, और जब से कटरा एसओ संजय गुप्ता गए हैं तब से हमको बहुत ज़्यादा परेशानी है, और हम अपनी शिकायत ज़िले से लेकर के और प्रदेश तक का सब जगह हड़ताल के आए हैं और आप लोग के पत्रकार के बीच में आज हम अपनी व्यथा सुना रहे हैं। नहीं, और आपने जिस तरह बताया कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ क्या है, बूथ कार्यकर्ता है विधानसभा के, तो आपके अपने नेताओं ने इस बात को नहीं उठाया कि आपका कार्यकर्ता परेशान हो रहा है और वो भी जो विपक्ष में पार्टी बैठी है उनके नेताओं द्वारा? जैसे हमारे विधायक हैं इस समय मतलब वो काफ़ी वृद्ध बीमार, उनके लड़के द्वारा मैंने कहा, उन्होंने अफसोस कहा, वो भी बता रहे हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं मानेंगे, हम निर्माण करा करके तब मानेंगे, उन्होंने क्योंकि काफ़ी पैसा ले रखा और जब से आए हैं चोरी हुई हमारे मार्केट में और तमाम ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी से आप आ रहे हैं और ये तो वो हमेशा कहते हैं कि हमने गरीबों वंचितों को न्याय दिलाया है और अपनी ही पार्टी के लोग न्याय नहीं मिल रहा है उन लोगों से जो विपक्ष में बैठे हुए हैं और आपकी ही पुलिस आपको न्याय नहीं दे रही है, ये कहाँ तक कैसा देख रहे हैं?
वो सर ऐसा हम काफ़ी नेताओं से मिले, अपने मतलब विधायक से मिले, उन्होंने कहीं मेरा सुना नहीं गया। फिर मैं आज बहुत हथक हार करके हम समाचार पत्र के पत्रकार के बीच में आए हैं, अपनी व्यथा सुना रहे हैं। मतलब आपकी पार्टी के लोगों ने आपका साथ नहीं दिया? नहीं दिया। समाजवादी के पार्टी के लोग आपको धमकी दे रहे हैं? क्योंकि हमारे एक ही लड़का है, उसको कह रहे हैं गोली मार देंगे, कटरा एसओ द्वारा कहा गया थाने पर। तो आप अभी भी पार्टी, आप पहले बीजेपी में बरकरार रहेंगे अगर आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो? इंसाफ हुआ तो रहेंगे ना, हम किसी पार्टी में रहेंगे, किसी पार्टी में नहीं रहेंगे। अब आते हैं पुलिस का क्या रोल रहा आपके इन तमाम जो आप शिकायत लेकर जाते हैं, अभी भी आप देख सकते हैं एप्लीकेशन है, भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, इनकी शिकायत ना इनकी पार्टी ने सुनी है और ना ही गोंडा पुलिस ने सुनी है। थाना अध्यक्ष कटरा बाजार के जो संजय कुमार गुप्ता हैं, धमकी देते हैं, गाली देते हैं, जो आपने एप्लीकेशन में लिखा है, क्या क्या कहा? कहा कि उस जमीन के किनारे जाओगे तो हाथ पैर तोड़ करके तुम्हारा फेंक देंगे, और कहीं भी हमारी शिकायत अगर किया तो तुम्हारा खैर नहीं, हम जब तक रहेंगे। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है सर, इनको हटवा दिया, इन्हें हमारे जान मान की सुरक्षा को खतरा, कभी भी कुछ घटना कर सकते हैं। मतलब पहले क्या मामला था, संजय कुमार गुप्ता के आने के बाद मामला शुरू हुआ है या पहले था? नहीं, आने के बाद ही शुरू हुआ, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या लगता है क्यों वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं? अब वो सर जैसे पैसे के, हमारे विपक्षी ने कहा है कि हम उनको 5-7 लाख रुपया दे रखे हैं, तुम्हारा कुछ जमीन बनवा करके उसके बाद इसको बेच देंगे। अच्छा, मतलब आप सीधा आरोप संजय कुमार गुप्ता पर लगा रहे हैं कि पैसा लेकर वो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं? कहीं भी हम जिले में जाते हैं तो वही कह देते हैं कि इनका कुछ नहीं, वही कॉपरेट किए हुए हैं सर। तो अगर आपको न्याय नहीं मिलता है अपनी ही ज़मीन को लेकर, जिस तरह उन्होंने कहा इस ज़मीन के करीब मत आना, ये ज़मीन है किसकी आखिर? ये ज़मीन हमारे परदादा अर्जुन प्रसाद ने बैनामा लिया था 1929, जो हमारे पास फारसी भाषा में उसका दस्तावेज, उसको भी नहीं मानते, कागज़ लेकर गए, उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। सारे कागज़ आपके पास मौजूद हैं? हाँ, सारे कागज़ मौजूद हैं। तो जो विपक्षी हैं, जो कब्जा कर रहे हैं, जो निर्माण करा रहे हैं, उनके पास क्या है, किस बुनियाद पर वो ये चीज़ें कर रहे हैं? वो ये दिखा रहे हैं कि मतलब हम इनके खानदान के हैं, जबकि अर्जुन प्रसाद की बैनामे की तनहा की ज़मीन है, हमारे पिताजी आएंगे, हमारे बुआ जी आएंगे, और ये लोग का कोई इसमें लेना देना। कौन से कागज़ अभी लेकर आए हैं? अभी समय जो दरखास्त दिए वो लेके आए हैं, जो दस्तावेज के मतलब वो काफ़ी लेकर आए हैं, उर्दू में है और हिंदी में अनुवाद है, वो सारा पेपर ले जाए। ज़मीन जब भी आपकी थी, बैनामा वगैरह है उस ज़मीन? बैनामा भी है, जो 1929 का बैनामा है सर, मगर वो उर्दू भाषा में है। उर्दू भाषा में उसी चौधरी लिखी हुई है। जिलाधिकारी महोदया हैं, काफ़ी तेज तर्रार हैं, तमाम आपके जो SDM हैं उनके पास आप गए, शिकायत की आपने, उन्होंने मतलब लिखा था वहाँ SDM को, जो अभी पेपर नहीं पहुंचा है। अभी पेपर नहीं पहुंचा है, उनका विपक्षी का तुरंत हो जाता, हमारा पेपर दबा दिया जाता है, क्योंकि हम काफ़ी गरीब हैं, उतना पैसा देने लायक नहीं। ये जब से BJP की सरकार आई तब से सारे अधिकारी मतलब 2-4-5 हज़ार ने लाखों में मांगते हैं पैसा, गरीब आदमी कहाँ पैसा दे पाएगा। BJP की सरकार आने के बाद से आई है, आप खुद भी कार्यकर्ता हैं? हम कार्यकर्ता, मगर इनके कार्यकाल में जमीन जितने कब्जा हुई है उतना कभी नहीं हुआ। संजय गुप्ता आए हैं तब से और हमको परेशानी। मतलब BJP के कार्यकर्ता होने के बाद भी ये कह रहे हैं कि जब से BJP आई है तब से जो काम अधिकारियों से 2-4 हज़ार में हो जाया करता था वो अब लाखों में होता है। छोटा मोटा ये खुद अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, 2-2-3-3 लाख रुपया मांगते रहते हैं। और जो समाजवादी पार्टी की बात की आपने कि हत्या क्या आपको धमकी दी गई है, आपको डर है हत्या ना करा दीजिए, कौन लोग हैं वो नाम उजागर कर दीजिए। जैसे उसमें अब कुछ जो बड़े नेता उनका नाम नहीं उजागर करेंगे, जो डर है उनसे? हाँ डर है, आलोक जायसवाल जो हैं वो भी सपा से जुड़े हुए हैं, और जो मतलब संजय गुप्ता भी सपा से जुड़े हुए हैं, वो भी सपा के ही हैं। कौन संजय गुप्ता? जो एसओ कटरा संजय, वो सपा के ही के रूल में चल रहे हैं, BJP के कार्यकर्ताओं को बहुत ही परेशान करते रहते हैं। संजय गुप्ता, अगर इनको हटवाया नहीं हो गया तो हमारे लड़के की हमारी हत्या हो सकती है, ये हमको पूर्ण विश्वास है। कटरा एसओ पर साफ आरोप लगाया जा रहा है कि जब तक अगर वो रहेंगे तो इनके बेटे की भी हत्या कराई जा सकती है, आज भी रोकने, उनको हटाया जाए, न्याय दिलाया जाए। अगर उनको हटाया नहीं गया तो कभी भी हत्या हो सकती, घटना अगर मेरे परिवार के साथ कोई घटना होती है तो संजय गुप्ता ही जिम्मेदार होंगे, और विपक्षी जो आलोक कुमार जायसवाल और संदीप अवस्थी और जयप्रकाश और चंद प्रकाश, ये 4-5 लोग मिलकर षड्यंत्र, इनके साथ और भी आदमी कुछ बाहरी जिले के हैं, 10-5 लोग जिसको हम पहचान नहीं सकते। ज़मीन कितनी है आपकी? ज़मीन सर रोड साइड है, कम से कम 250-300 फीट की ज़मीन है, पीछे भी है, मतलब कीमती ज़मीन है। जो किस जगह पर? कटरा में किस जगह पर? अर्जुन हाता कटरा बाज़ार में। अर्जुन हाता कटरा, मेरी जितनी सारी ज़मीनें रोड साइड है, एसओ ने कहा कि उसको इतनी सारी ज़मीनें थोड़ा कब्जा है, उसमें क्या हमने ठेका ले रखा है, उसमें क्या अभी उसकी अगर हम कीमत निकालते हैं वैल्यूएशन कितने की? इस समय सर करोड़ों रुपये में, करोड़ों की ज़मीन, करोड़ों की ज़मीन और कब्जा किया जा रहा है जबरन। अभी निर्माण कितना हो गया उस पर? निर्माण सर 5-6 फुट दीवार चल रही है, अभी भी कार्य चल रहा है, जब रोकने जाओ तो उसको घेर रखा है, तुम कोई असलाह रखे हुए हैं, जो दिखावटी बंद है उसको लेकर दौड़ाते रहते हैं। उसके बाद पुलिस कह रही तुम्हारे पास स्टे नहीं, हम नहीं रोके। आप चेहरा देख सकते हैं, बेबसी देख सकते हैं कि अपनी ही ज़मीन को कब्जे से रोकने के लिए न्याय मांग रहे हैं, पुलिस से मांग रहे हैं, तो पुलिस इन्हीं को धमकी दे रही है, उनके घर परिवार को गाली गलौज, भद्दी भद्दी गालियाँ देती हैं, जबकि उनकी शिकायत पत्र लेकर ये पुलिस अधीक्षक गोंडा
एसपी विनीत जायसवाल के पास भी गए हैं, सब पास भी, लेकिन अभी भी इनको न्याय नहीं मिला है, तब ये मीडिया की तरफ इन्होंने रुख किया है। वो कल कहे कि हम सीओ को लिख दे रहे हैं, सीओ के पास गए, कहता तुम्हारे पास स्टे भी नहीं, तुम्हारी जमीन ही नहीं, सब लोग कह रहे हैं तुम्हारी जमीन ही नहीं, जमीन ही नहीं बता रहे हैं, जमीन ही, जबकि हमारे पास दस्तावेज उसको लिए हम घूम रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोगों से? जैसे हम लोगों से सबसे पहले तो संजय गुप्ता को हटा दिया जाए वहाँ से, एसओ को, और हमारे को मतलब न्याय दिलाई जाए, हमारे के जो निर्माण चल रहा है उसको तत्काल रोका जाए, नहीं तो उनका मनोबल विपक्षियों के न बढ़ जाए और हमारी अन्य जो कीमती ज़मीनें हैं उसको कब्जा कर लेंगे और हमको जान से मार देंगे। अब इसमें आपने तमाम पक्षों को सुना, एक तो ये अपनी शिकायत लेकर आए हैं कब्जे से ज़मीन को छुड़वाने के लिए, जो कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ तक कि जब ये अपनी ज़मीन को कब्ज़ा होने से रोकने के लिए जाते हैं तो इनकी हत्या तक करने की बात करते हैं, इनको धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। जब दबंगों से ये अपने को बचाना चाहते हैं और पुलिस की तरफ जाते हैं तो थाना अध्यक्ष संजय कुमार गुप्ता भी इनको कहते हैं कि उस ज़मीन के करीब मत आना, वरना ये कर देंगे, वो कर देंगे, गालियाँ देते हैं, फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात भी करते हैं, बलात्कार का मुकदमा लिखवा देंगे, गैंगस्टर लगा के तुमको साले जेल भेज देंगे, तुम ही खाली परिवार में अकेले पैर भी करते हो, ये एसओ कहते हैं, एसओ कहते हैं कि फर्जी मुकदमे में फंसा कर जेल भेज देंगे। अब आखिर ऐसे गरीब परेशान लोगों को न्याय दिलाए तो कौन दिलाए, जबकि न्याय दिलाने की बात तो छोड़िए, उन न्याय मांगने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की बात करती है। अब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से ही आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ही इनकी बात नहीं सुन रही है, ना ही पुलिस सुन रही है, ना ही अधिकारी सुन रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि भाई साहब को न्याय मिल सके, दबंगों से, पुलिस से और ऐसे तमाम लोगों से जो इनके खिलाफ हैं, और इनकी अपनी ज़मीन है जो बची रहे, आगे इनके काम आया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।